हमारे गांव के लोगों को एक जेरोस करवाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, जैसे कि 8-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन मैं अपना सीएससी सेंटर खोली हूँ इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा सुविधाएँ हो रही है और वहाँ यहाँ आके वो अपना जेरोक्स प्रिंट आउट जो भी करना है वो अपना करवाते हैं। मेरा नाम रंजू कुमारी है और मेरे पापा छोटे मोटे शॉपकीपर है। रंजू कुमारी का पिताजी हूँ मैं, ये छोटा दुकान चलाता हूँ। मैं भी लोगों को देखती थी ऑफिस में काम करते हुए, मुझे कंप्यूटर सीखने का बहुत मतलब इंटरेस्ट था, लेकिन यहाँ पर हमारे आसपास कोई भी कंप्यूटर सीखने की सुविधा नहीं थी, लेकिन लिटरेसी इंडिया से मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं सीसीए कोर्स करने के बाद दिल्ली गुड़गांव में मुझे ट्रेनिंग मिला, बिजनेस ट्रेनिंग। और लिटरेसी इंडिया से इसको सीएससी कोर्स कराया गया झरना स्कूल से। जब मैं सीसीए कोर्स की तो उसमें मैं पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड और ये सब के बारे में जानी। इसके बाद आके मैं सीएससी खोली, मैं अपने गांव में खोली हूँ सीएससी सेंटर, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा सुविधा हो रही है। जैसे मैं अपने भाई बहनों में से सबसे बड़ी हूँ तो मैं, मेरे भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका भी खर्चा मैं थोड़ा बहुत उठा पाती हूँ, उनकी कॉपी किताब, कॉपी कलम सब कुछ खरीद देती हूँ। ये अपना काम घर में करती है, बगल में काम करती है, इसमें अपना खर्चा सब इसका निकलता है, इसमें कुछ परिवार का भी सपोर्ट हो जाता है। लिटरेसी इंडिया को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि उनकी वजह से मैं अपना पैसा कमा पा रही हूँ और मैं अपने घर के खर्चों को भी उठा पा रही हूँ। मेरा नाम सुनीता है, गौरव है और मेरा गांव का नाम गोहरा है। पापा सब वो अभी डेथ किया है, नहीं है, 2011 में गांव में पता चला कि झरना स्कूल में कंप्यूटर का कोचिंग होता है, तो हम पापा गया एडमिशन किए, कोचिंग किए, उसके बाद पता चला कि यहाँ पे मिलता है लैपटॉप और कंप्यूटर, फॉर्म भरे, इसके बाद इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में के बाद दिल्ली गए थे ट्रेनिंग करने के लिए, उधर से आए उसके बाद सीएससी सेंटर खोले। सुनीता भाभी के नहीं झरना स्कूल चलाना है, सुनीता दो हमें ये पढ़ाना है, पढ़ा करते हम ट्रेनिंग ली हुई दिखे दिल्ली को है करते हमें ये खुले थे सीएससी सेंटर, विश्व सेंटर खोले। पहले तो हम लोग का आस गाँव का आस पास कोई नहीं तो जेरोक्स दुकान ही नहीं था, तो हम ये खोले। बस गांव का आदमी आस पास के तो मेरे पास आते हैं, आधार कार्ड जेरोक्स, पैन कार्ड जेरोक्स, पैन कार्ड होता है, इससे उनको बहुत सुविधा होता है, भी जाना नहीं पड़ता है। पहले तो एम आई झल्ले चला था, और तो दोनों साइड में 5-6 किलोमीटर ज़्यादा बिसी गई सर। तीन दिन भैया काम करते थे, वो घर चला रहे, अभी हम सीएससी सेंटर खोले, अभी हम कमा रहे हैं पैसा, फैमिली भी सपोर्ट करते हैं और फैमिली को भी पैसा देते हैं, अपना भी पढ़ाई में पैसा होता है। आज मैं जो भी कमा रही हूँ नेटवर्क इंडिया की वजह से, और नेटवर्क इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।